गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज आनंद श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज परम योगेश्वर मान विभूति ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य मेरे गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ और इस गांव की गोरखनाथ जी की पीठ को मैं नमस्कार करती हूँ और राम दुलारे श्री हनुमान जी के मंदिर में हम विराजमान हैं तो हनुमान जी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करती हूँ और हमारी पूरी ऑल इंडिया देशवासी आपके प्रधान हैं मेरे परम आदमी हैं वयोवृद्ध हमारे दादाजी हैं शिवगंज जी चौधरी मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और भी अन्य गांव से जो कि देशवाल खाप में हैं वहाँ के प्रधान वहाँ के समिति मेंबर आए गए हैं मैं आप सबको भी बहुत प्रणाम करती हूँ और हमारे आदरणीय सतीश राज भाई देशवाल जी थे उनका भी इस गांव के सरपंच भाई जी का गांव खेड़ी दमकन से मेरे सरपंच भाई जी आए हैं आप सबका सभी बुजुर्गों का माताओं का बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज ये एक परिचय सम्मेलन है बहुत सुंदर प्रातः से शोभा यात्रा निकाली गई और ये मैं ये नहीं कहूंगी मैं दूसरे गांव में आई हूँ मैं अपने ही गांव में आई हूँ क्योंकि हमारे बुजुर्ग 1200 ईस्वी में इसी गांव से गए थे गोरड़ गांव में गए वहां पर पानी की कमी थी फिर खेड़ी गांव बसा और आज मैं रास्ते से सोचती भी आ रही थी हमारे बुजुर्ग यहाँ से क्यों गए इतना सुंदर गांव इतनी साफ सफाई और बड़ी शालीनता मुझे नजर आई बहुत अच्छा लगा। अगर मैं सांसारिक दृष्टि से बोलूं रिश्ते नातों से तो मेरे दादे परदादे मेरे चाचा ताऊ भाई माताएं बहनें हैं लेकिन मैं संन्यास की दृष्टि से बोलूं तो सब भगवान की आत्मा है एक परिवार जैसा लग रहा है। गांव खेड़ी दमकन से भी हमारे बहुत आदरणीय बुजुर्ग बेचारे चाव से आए हैं मेरे दादा चाऊ ताऊ चाचा गांव की ग्रामीण विकास समिति के सारे युवा भाई वहां पर एक बहुत सुंदर संगठन बना हुआ है और जो कि हमारे आदरणीय सरपंच भाई जी हैं प्रधान जी हैं सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और दिल्ली गुड़गांव हरियाणा से हमारे आश्रम के विश्व शक्ति मिशन ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और मेरे गुरुदेव जी की प्यारी संगत भी यहाँ पर शोभा यात्रा में शामिल हुई आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है देखने की आपसे पूछेंगे कैसा गांव था तो आप क्या कहेंगे लेकिन मैं अपनी दृष्टि से बोलूं एक व्यक्ति कोई यात्री था किसी गांव से गुजर रहा था रात हो गई तो पूछा यहाँ के लोग कैसे हैं मैंने रात रुकना है तो उसने कहा यहाँ मत रुकना यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। कहेंगे अच्छा थोड़ी आगे गए तो एक चारपाई पर एक बुजुर्ग बैठे थे उससे पूछा यहाँ के लोग कैसे इस गांव के रात रुकना है क्या ठहर सकता हूँ बिल्कुल ठहर सकता है आपका गांव है आपके सारे घर हैं यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं। उस यात्री ने सोचा गांव एक ही है मैं भी एक ही हूँ फिर अलग अलग दृष्टि क्यों है
तो सज्जन व्यक्ति ने कहा उनका देखने का नजरिया अलग है, मेरा अलग है, बुराई है तो हमारे भीतर है और किसी के अंदर नहीं। मैं तो ये कहूंगी इस गांव के लोग मेरे बहुत सज्जन हैं, बहुत ही शालीन है, सभ्य है। आपने इतना स्वागत किया हमारा, बड़ी सुंदर शोभा यात्रा निकाली, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हमारा अपना ही गांव है, पूरी देशवाल खाप की यहाँ पर बहुत सुंदर देशवाल भवन बनने जा रहा है, वो भी देखकर आए, जो कि पूरे हरियाणा में इतना बड़ा भवन नहीं है, जिसमें बहुत सी समितियों ने, बहुत से भामाशाहों ने दान भी दिया है। और मैं ज्यादा तो नहीं, बस यही गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करूंगी, मेरा कमरा बाद में बना देना, पहले यहाँ सहायता कर देंगे, मैं तो यही कहूंगी। समाज और संत एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आपकी सोशल लाइफ है या पॉलिटिकल लाइफ है या स्पिरिचुअल लाइफ है, राजनीतिक जीवन है, आध्यात्मिक है या सामाजिक है, अगर आपने कुछ सुधार करना है, फर्स्टली चेंज योरसेल्फ, सबसे पहले हम अपने में सुधार करें और फिर आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। हालांकि हमारा राजनीतिक कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल मेरा गुरुजी का आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन संत हमेशा समाज में भलाई का काम करते हैं, सबके अंदर सुधार हो, प्रेम से रहें। और ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं जब हमारे देश में बहुत ही प्रतिभाशाली स्वामी विवेकानंद जी थे, बिल्कुल गरीब, घर में गरीबी थी, लेकिन गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद था और भारत में गुलामी की जंजीरें देखी, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, भूखमरी है, बहुत सारी गलत प्रथाएं प्रचलित थी, स्वामी जी का हृदय बहुत व्याकुल हो गया और फिर विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो गए। सर्वप्रथम यही प्रसंग सुनाया था कि एक कूप मेंढक होता है कुएं में ही, वही उसी में पैदा हुआ, उसी में रहता है। एक दिन सागर का मेंढक आ गया तो उसने पूछा, अरे तू इस संकीर्ण सी जगह में रहता है, बाहर देख सागर कितना बड़ा है। उसने कहा, नहीं, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जन्म उसी में हुआ, उसी में रहा, लेकिन बाहर की विशालता का पता नहीं था। तो स्वामी जी कहते थे, अगर कुछ करना है तो हमने संकीर्णता के कूप से बाहर आना होगा, क्योंकि सब मानव परमात्मा की संतान है। फिर स्वामी राम तीर्थ थे, जिन्होंने अपने आत्म चैतन्य को जानकर उन्होंने कहा, मैं राम का बादशाह हूँ, सबके अंदर राम समाया हुआ है। देश प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी ऐसी कुरीतियां थी, पाखंड था, वो दूर किया। उसके बाद भक्ति काल आया, सतगुरु कबीर साहब जी भी इस धरा पर 15वीं शताब्दी में प्रगट हुए, वो ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और उस समय भी समाज में ऐसी कुरीतियां थी, काशी के अंदर क्रोध लगा रखे थे, आर्य जिसको बोलते हैं, तो उस समय पंडे ये बहका देते थे, जीवन भर की कमाई यहाँ दान कर दो, इस कुएं में शीश झोंक दो, कट कट के उसकी बॉडी, उसका शरीर गंगा से नीचे नीचे चुपके से नाला ला रखा था, वो व्यक्ति कट कट के बह जाता, तेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, बेतरनी नदी पार हो जाएगी। ऐसे कोई बेतरनी नदी पार नहीं होता है किसी पे हिंसा करने पे, तो सतगुरु कबीर साहब ने उसको बंद करवाया। सतगुरु गरीबदास जी आए चुड़ानी धाम में, बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उन्होंने भी बहुत प्रचार किया, साक्षात्कार था। और जैसे आज खापे काम करती हूँ, उसमें भी राजा महाराजा सूरजमल जी जब मारे गए थे, भरतपुर के राजा, उनके दो बेटे थे नारसिंह ज्वार सिंह, उनमें फूट डाल दी थी, झगड़ा हो गया था, और रानी गंगा देवी किशोर देवी चिंतित थी, तो उस समय सौ खाप पंचायत बुलाई गई थी, तो महारानी जी सदगुरु की शिष्य थी और उन्होंने कहा कि सौ खाप पंचायत में हमारे गुरुदेव प्रम योगेश्वर गरीबदास जी को बुलाया जाए, इस राजवंश पर उनका बहुत बड़ा वरदहस्त है। तो सदगुरु गरीबदास जी को बुलाया गया, भरतपुर में सौ खाप पंचायत हुई और सदगुरु जी का निर्णय माना गया,
दिल्ली पर अटैक किया, वहां के मुगल बादशाह को मारा और पाखरिया रणधीर ने अपना वहां पर शहीद दिया, शरीर बलिदान कर दिया, जिसमें इतने बड़े बड़े भाले लगा रखे थे लाल किले के गेट पर, और गेट नहीं टूट रहा था उस समय छाती करके खड़ा हो गया, हाथियों से उनके पीठ पर टक्कर मरवाई गई थी, तब वो गेट टूटा, लेकिन उसके शरीर के आरों पार भल्ले पार हो गए। पाखरिया रणधीर ने दिल्ली लाल किले के गेट पर अपना शहीद देकर और फिर उनकी जीत हुई नाहर सिंह और जो हर सिंह जी की। तो महापुरुषों ने जब राजनीतिक क्षेत्र था या सामाजिक या अध्यात्म हर क्षेत्र में काम किया। उस समय मुगलों का शासन था, सतगुरु गरीबदास जी थे, नादिर शाह ने काबुल कंधार से आकर दिल्ली पे अटैक कर दिया, खून की नदियां बह गई थी, क्योंकि उनके पास कोहिनूर हीरा था। राजा मोहम्मद शाह रंगीला देना नहीं चाहते थे, नादिर शाह लेना चाहता था। उस समय भी मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था, है कोई हिंदुस्तान में ऐसा पीर फकीर संत जो हमारी रक्षा कर सके। तब भी छुड़ानी धाम से श्री गरीबदास जी महाराज को बुलाया गया। गरीबदास महाराज ने शर्त रखी थी कि एक तो गौ हत्या बंद कर दो, जब तक पाप होता रहेगा हम सहायता नहीं करेंगे ना आशीर्वाद देंगे। दूसरा, जितने भी आपकी पटरानी उनको छोड़कर जितने भी हिंदू माताएं बहनें बंदी बना रखी हैं, ये अपराध है, उनको छोड़ दिया जाए। तीसरा, किसानों पर जो कर वसूली होती है उसको माफ कर दिया जाए। और मोहम्मद शाह रंगीला सुरा सुंदरी के विलासता में डूबा हुआ था, मलिन बुद्धि थी, उसने मना किया तो गरीबदास जी ने भी आशीर्वाद देने से मना कर दिया। और ये कह दिया था, अगर राजन मेरी शर्त आपको मंजूर है तो हिंदुस्तान का नहीं, जो कोई माने शब्द हमारा राज करे काबुल कंधारा, काबुल कंधार तक आपका साम्राज्य हो सकता है। तो उस समय गरीबदास महाराज वापिस आ गए थे, लेकिन फिर वजीर की कुशलता से संधि हुई और नादिर शाह हीरा लेकर वापिस चला गया था। उसी हीरे ने कितना रक्तपात करवाया, राज पता वो कहां पर है, ब्रिटेन में, एलिजाबेथ वो महारानी है, मुकुट में लगाया जाता। तो महापुरुष समझाते थे भी समाज में धन दौलत ये सब कुछ नहीं है, प्यार प्रेम बढ़ाओ, समाज से कुरीतियां दूर हो। तो बड़े बड़े सिद्ध पीर फकीर संत अवतार हमारी भारत की इस पावन धरा पर अवतरित हुए, जिन्होंने अपने कुशल उपदेशों से पूरी मानव जाति का उद्धार किया। कई धाराएं हैं हमारे अध्यात्म में, एक योग परंपरा है, एक ज्ञान परंपरा है और एक भक्ति मार्ग है। तो गरीबदास जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, गरीब सिद्धों में गोरख बड़े दत्त दिगंबर तीरे, भक्तों में नामा बड़े तीनों कला कबीरे। गोरखनाथ जी बहुत बड़े सिद्ध हुए, कैसे सिद्ध हुए हैं, एक बार अपने गुरुदेव मच्छंदर जी के जब मठ में रहते थे उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप गोशे चुप के लाओ धोने के लिए। गोरखनाथ जी चले गए, शाम हो गई, भूख लगी हुई थी। एक किसान कचरों की, कचरे होते ना गांव में खरबूजे, उनकी गाड़ी भर के ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हैं, कि मच्छंदर नाथ जी के मठ में। अच्छा, मेरे बाटे का प्रसाद यही दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, गुरु की आज्ञा के बिना नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा, भूख लगी, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं लूंगा। दिव्य दृष्टि से देख लिया कि मेरे बाटे पूरी गाड़ी जो भरी हुई है सब ब्रह्मचारियों को शिष्यों को छोड़कर कितना बाटे आएगा, तो देखा आधा कचरा बाटा आएगा, वो ले लिया। जब किसान मठ में पहुंचे, शिष्यों ने देखा के लग रहे, अरे आधा कचरा किसने ले लिया, मठ के हिस्से का, कि महाराज आपका एक शिष्य गोशे चुग रहा था, गोरखनाथ उसको दे दिया। जब गोरखनाथ जी गोशे चुग कर आए तो देखा वहां दो पार्टी बन चुकी थी। एक ने कहा, नहीं उसने ठीक किया, अपना ही तो हिस्सा लिया है, भूख लगी थी, कोई बात नहीं। दूसरों ने कहा, नहीं ये गलती की है, गुरुदेव की आज्ञा के बिना ले लिया। सभा लगी गई, लगाई गई, और उस समय बहुत हजारों हजारों शिष्य होते थे। तो मच्छंदर नाथ जी बैठे हैं, तो गोरखनाथ ने कहा, भी मेरा समर्थन कौन करता है, मेरे विरुद्ध कौन है। कुछ बैठे रहे और जो खड़े थे उन्होंने कहा, भी हम समर्थन करते हैं, जो बैठे थे उन सिद्ध। तो उन्होंने कहा,
बैठे सो सिद्ध खड़े सो पत्थर, 12,000 मूर्ति तो सिद्ध हो गए और जो 12,000 मूर्ति पत्थर हो गए सिद्धों की कोई गिनती नहीं। ऐसे योगी थे मनुष्यों के पत्थर बना दिए थे और पत्थरों के आदमी बना दिए थे, कर भंजन को मिट्टी से ही जीवन प्राण उनको दे दिए थे। तो ऐसे ऐसे योगी हमारी धरती पर हुए हैं, वो योगी परंपरा के थे। दूसरा है ज्ञानी ज्ञान परंपरा, जिसमें दत्तात्रेय जी हुए हैं, बहुत ही तत्व ज्ञानी महापुरुष थे, अनसुईया अत्रि के बेटे और शब्द स्वरूपी उतरे थे। यदु राजा को उन्होंने ज्ञान दिया और जीवन में 24 गुरु बनाए थे, हर चीज से उन्होंने शिक्षा पाई और दिगंबर रहते थे अपने आत्म स्वरूप में बैठ के, जो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। तीसरा है भक्ति परंपरा, जिसमें नामदेव जी सबसे बड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के महान संत, उनको बेहतर बार परमात्मा का सगुण रूप में साक्षात दर्शन हुआ है और वो ऐसी राम नाम की धुन में हमेशा मस्त रहते थे, मंडली लेकर चलते। एक बार दिल्ली साइड में जब गए प्रचार कर रहे थे, उस समय भी सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह थे, उन्होंने पता चला कि ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर जो राज्य है वो मुगलों का है। उन्होंने कहा भुला कर ले आ जाए और ये कहा आप धर्म बदल लो नहीं तो आपको कसौटी दी जाएगी। नामदेव ने मना कर दिया। फिर सोचा हिंदू गाय माता से प्रेम करते हैं, एक गाय मंगाई और उनके सामने ही उसको काटने लगे। नामदेव ने कहा ये अपराध है, ऐसा मत करो, गाय हमारी अम्मा है, जा पर छुरी न बाई। ये किसी का भेदभाव नहीं करती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दूध देती है, इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है, ये बहुत बड़ा अपराध है। राजा नहीं माने तो फिर कहने लगे अच्छा भाई हिंदू तेरा राम दिखला, अरे राम नाम छोड़ हिंदू जो पहले खुदा, अगर तू हिंदू है तो फिर अपने राम की शक्ति दिखा, नहीं तो अपना धर्म छोड़ के और मुसलमान खुदा का नाम जप। बादशाह के मन में बुरी करी, मंगा के गौ उसने काट दी छुरी, गौ मंगवाई और उसमें से छुरी गले में काट दी। जब वहां बोली थी नाम देखी माँ, छोटो बेटा राम नाम होने हो सो, बेटा राम का नाम छोड़ दे ये तेरी भी हत्या कर देगा, इसमें गौ मरवा दी। तो नामदेव ने मना कर दिया, माँ अगर मैंने राम का नाम छोड़ दिया तो इस धरती पर उस परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे री मारे तेते कुछ भी ना हो, छोड़ दो तो राम नाम कहेगा ना को। जब वहां बोली थी नाम देखी जो, और छोड़ो मत राम नाम होनी हो सो हो। पत्नी उसी को कहते हैं जो किसी का पतन होता हो उसको रोक ले, धर्म पर स्थित कर दे। नामदेव की पत्नी रजाई उसकी माँ गुणाई ने कहा कि आपने धर्म नहीं छोड़ना है, आपके मरने से कुछ नहीं होगा, नामदेव जैसे और भी पैदा हो जाएंगे। अब वहां पर भक्तों की मंडली थी, नामदेव जी कुछ तो करो। नामदेव जी बैठकर गाय माता के पास रोने लगे, उसका छोटा सा बछड़ा और खून बहरा राज दरबार के पास, कहने लगे बुलाओ अपने परमात्मा को अपने राम को। तो नामदेव जी खड़े हुए, पाया बांधे घूंघरू रो हाथ ली खड़ता, सुमर लिए थे प्रभु दीन के दया, बीता था पैर जब रही थी घड़ी, और नामदेव पहस्ती की हो पड़ी। नामदेव ने पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में खड़ताल ली और परमात्मा को सुमरा। इतने में राजा ने पागल हाथी मंगवा लिया कि नामदेव के ऊपर छोड़ दो, इसको भी मार दो, और नामदेव जी लीन हो गए राम नाम की धुन में। फिर उन्होंने क्या किया, झोले से भभूति निकाली अपनी पूजा की, ले भभूति नामदेव देव छड़े। फिर पता क्या हुआ, बिस्मिल गऊ फिर उठी थी भड़े, जैसे गऊ पर तिलक दिया राम नाम कह के थपकी मारी, सिर से दिया गऊ के कमर पे, तुरंत फड़क के उठी, बिस्मिल कहते जिसकी गर्दन काट दी थी मार दी थी, फड़क के उठी गाँव मरी हुई।
और बिस्मिल गौ का दूध मंदिरों में जा, नामदेव कहने लगे अब आपके घर में भी इसका दूध जाएगा, आपने इसको मरवा दिया था। इतने में क्या हुआ, इतना बड़ा अपराध किया दिल्ली के दरबार में, परमात्मा अन्याय सहन नहीं करता है, राजमहलों में आग लग गई और राजा की माँ नंगे पैरों दौड़ी आई। उनको पता चल गया एक भक्त को राजा ने कष्ट दिया है। तो क्या हुआ, जब वहाँ बोली थी बादशाह की माँ, हिंदू नहीं रे यो तो पूरी बला, ये हिंदू नहीं है ये तो बला ले ली तेरे बोल। और फिर गले गली पागड़ी नंगे पैरों जा, अब करे हिंदू गुना माफ करे जा, नाम दे बादशाह का झगड़ा पड़ा, शायद कबीर ने यो कथ के कया। चरण पकड़ लिए, महलों में आग लग गई थी कि अब की बार गुना माफ कर जागे से गलती नहीं होगी। फिर नामदेव ने परमात्मा से प्रार्थना की, तब जाकर राज महलों की आग बुझी थी। ये प्रमाण देते हैं गरीबदास महाराज अपनी 24,000 वाणी में, गरीब निश्चय ही से गौ जवाई, निश्चय बछड़ा चुंगे, देश देशांतर भक्ति गई है फिर कुन लाओ होंगे। जिसके अंदर परमात्मा का विश्वास हो गया, निष्ठा हो गई, तो मरी हुई गौ भी जीवित कर दी। इसलिए आप इस दुनिया में किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन भगवान पे कभी विश्वास ना छोड़ना, फिर जीवन में कुछ नहीं रहेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में चलोगे तो कष्ट जरूर आएंगे, लेकिन परमात्मा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। निष्ठा के अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे कैसे निश्चय हो, आपकी भोली आत्मा है तो जल्दी विश्वास कर लेंगे, तर्क वाला व्यक्ति जल्दी विश्वास नहीं करेगा। गरीब निश्चय ऊपर नाम का कहां ज्ञान का धान, निश्चय खेत पाइया का कर बोई जाने। एक ऐसे भोले भगत थे, उनका प्रसंग सुनाऊं। हमारे हिंदुस्तान में इतनी पहले नौकरी नहीं थी, ज्यादातर किसान थे, खेती करते थे, सरल भोजन होता था, सीधा साधा, हर दिन भी सीधा साधा होता था। एक राजस्थान में माधोपुर गांव है, धर्म सिंह नाम के जाट रहते थे, पोड़ा किला उनके पास जमीन थी और उनका बेटा था एक धन सिंह, बाद में उनको धन्ना कहते थे। संतों की संगत की और कबीर साहब के गुरु भाई यानी रामानंद जी महाराज के शिष्य बन गए काशी वाले के। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं नाम कैसे सुमरूंगा, मैं तो खेती करता हूँ, फुर्सती नहीं मिलती। तो गुरु महाराज ने कहा कि जैसे खेत में हाड़ी गेहूं बोता है ना, हल होता था पहले, अब तो ट्रैक्टर आ गए, गेहूं डालते जाते हैं, हाड़ी बात भी करता रहता है, ऐसे ही जैसे बीज डालते हैं मुंह से, ऐसे नाम जपा कर गरीब जैसे हाड़ी बीज धुन, पंथी से बतलाए या में खंड पड़े नहीं, मुख से बात सुनाए। जैसे हाड़ी बीज बोता है बात भी करता रहता है दाएं बाएं मित्रों से, और बोता भी रहता, ऐसे सुमरण करना है। तो धन्ना जात खेती करता, लेकिन परमात्मा उसके सामने प्रकट होते थे, ऐसी उन पर कृपा थी। ये प्रसंग लंबा में थोड़ा सा बता। गांव में संत आ जाते, काम छोड़ के संगत में बैठ जाता, तो घर वाली कहती कि आज सत्संग में नहीं जाएगा, देख बुवारा आ गया, सब जितने गांव के थे हल लेके खेत में बोल पहुंच गए, और तू रात में सत्संग में चला जा। तो धन्ना जात जब सब सो जाते, रात में छुपके से चला जाता, सुबह आके फिर पूजा पाठ करने लग जाता। घरवाली बेचारी थोड़ी गर्म से भावगी थी, तो जाकर धन्ना को कहने लगी, तू पूजा पाठ करे जाहे, दुनिया जाली हल जोड़ के, सब कर गए लोग बुआरा, तेरा बाजरे आई तारा, कैसे गुजर चलेगा मारा, तू बैठा का मन छोड़ के, बुआरा कर दिया, जवार बोल दी, और तू बैठा रहा, कैसे काम चलेगा, गुजारा कैसे होगा। तो फिर क्या करते संतों की और भक्तों की मंडली, जैसे आज आ गया ऐसे आ जाती, और फिर उनका भोजन करवाने लग जाते, वो और चिरती। तो कहने लगी, इसे काम करे पंडित पांडे, तूने खोले तो ना ढांडे, तो बढ़ के खाइए मांडे, तेरा धरो एक तारा तो
कहने लगे तड़का बताऊंगी तेरा तारा तोड़ूंगी, सितार बजाते हैं हथकल बनाऊंगी तेरे मांडे, ऐसे कैसे काम चलेगा। डांडा किसको कहते हैं? बैलों को, है ना। आजकल के बच्चों को नहीं पता, ये पुरानी भाषा थी, बैलों को कहते थे। डांडे बंद रहे गांव में धूप में और तू पूजा पाठ करते रहे, ये तो पंडितों का विद्वानों का काम होता, तेरा थोड़ा काम है। तो वो फिर कहने लगी, संत आगे बैठ के भोजन बनाने लगे, तेरे आवे रोज के मोटे तेरा क्या ला देंगे टोटे, ना घर में दाने छोटे ये खावे मूछ मरोड़ के, दुनिया जाली हल जोड़ के, ये मोटे तेरे टोटे ला देंगे। भगवान इनका आशीर्वाद ही बहुत होता है, इनकी कृपा तने देखी नहीं है, ये परमात्मा के परम अंश होते, हमारा कल्याण करने आए हैं। कल लगी अच्छा ये बीज ले, तोल कर धर दिया, साफ कर दिया, इन जल्दी से चला जा, सोच इतनी बड़ी बड़ी जुवार होगी और तेरे कुछ नहीं बोया, तोल कर जुवार दे दी साफ करके। और वो बगल में टांगता था ना इतनी बड़ी, उसको क्या कहते थे? बजंडी। तो वो बजंडी होती थी, अब तो गांव में मिलेगी नहीं किसी के, उसमें बीज लेकर और चल दिए। फिर क्या हुआ, रास्ते में फिर संत मिल गए, उन्होंने कहा भगवान की कृपा थी, अरे धन्ना भूख लगी है, हम तो घर में जा रहे थे, ना बाबा घर में ना जाइयो, पहले गर्म हो रही है घर वाली, और देखिए बीज रहा, ये ले लो इसका आटा बनाकर रोटी बना लियो। तो वहां पर एक प्रसंग लिखा बड़ा सुंदर है, एक धन्ना जात सुना होगा जो नाम हरि का लिया करता, जो कोई साधु घर पे आता उसको दान दिया करता, घर में थी कली हरी नारी उसने एक दिन काम बताया, तोल के जवार दे दी खेत के मैं बोन खंदाया, रास्ते में साधु मिल गए ऐसी फिर गई हर की माया, साधुओं ने मिलते ही भोजन का सवाल किया, दिया धन्ना ने सारा बीज सारा बीज डाल दिया। अब सोचा अब क्या करूं, वो कहेगी क्या तूने जुवार बो दी, और बीज लाया को ना घर में थी कलियारी नारी, काकरे और रोड मिला के बांध और ना बो दी क्यारी, और मोटे मोटे खूड काटे आसन लागी दुनिया सारी, देखो धन्ना ये मूड गवार ना काम करने का विचार। पता क्या किया, खेत में जाके गांव के गोरे से काकर होती ना पड़ी, वो उठाई और उसे बजंडी में डाल के वो बोने लग गया, सारे किसान हंस रहे हैं, देख कैसा गवार है, काकर भी कोई बोता है, खेत में काकर होंगी तो उसको भी चुगना पड़ता है, ये तो मूर्ख है। और मोटे मोटे खूड काट दिए जल्दी जल्दी कि शाम में भी सत्संग है और गुरु रामानंद जी आए हुए हैं, वहां जाना है। फिर क्या हुआ, घरवाली को भी कह दिया और कुछ बोया ये बीज नहीं भोकाया, तो वो खेत में देखने गई कि सब की ज्वार पकी मारी भी पकी होगी और बो राखी काकर, तो गई घरवाली खेत में, एक दिन किसी ने कह दिया वो खेत के मैं देखने आई, और घूम फिर कहने देखने लगी सारे तुम्बे दिए दिखाई, छो में उल्टी पोड़ी एक तुम्बा तोड़ आई, दिया धन्ना के सिर में मारे घर में बिखर गई जवार। किसी ने कह दिया एक बार देखता तेरे खेत में जुवार है कुछ और ही जाम गया, जा देखा तो बेलों पर इतने बड़े बड़े तुम्बे लग रहे, अब इतने गुस्से में थी एक तुम्बा तोड़े, ये बीज कितने ले आया, ये तो है नहीं सारे गांव में, और वो तुम्बा लाई तोड़कर धन्ना बैठा था। आगे भगवान कहने लगे हाँ तार के बोया था तन खेत में, अग जुवार बोई थी, अग झूठ बोल रहा नहीं, झूठ नहीं सच्ची बात है, कहने लगे सच्ची बता, तो उसने कहा अच्छी मैं बताती हूँ तेरे को सच्ची, क्या बोया था तूने? धन्ना जी सा बैठा था वो तुम्बा खा के शर्म मारने लगे, पीछे हट गया, अब पीछे हटा तो नीचे ला गया, और जैसे तुम्बा फूटा एक एक धड़ी जुवार उस तुम्बे में से निकली। फिर बैठ के कहने लगी ये लीला कैसे हुई,
ये तो बिल्कुल जैसे मैंने साफ करके वो दिया था ना बीज, उस तो बीसी मोटी मोटी दाना कितनी सुंदर निकली निकलाई साफ करी भी, ये बता लीला क्या है। तब रोने लगा धन्ना, बोला भगवान सच्ची बताऊं मैंने तो का कर बोई थी, बीज संतों का डाल दिया था, ये तो ऊपर वाले की लीला है, मैं कुछ नहीं जानता। और इतने तुम्बे लागे पौने किले मर इतने बड़े बड़े जिसमें एक एक धड़ी जवार साफ सुथरी करी भी निकली थी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं, किसान खेती करते भगवान की भक्ति करते और ऐसे चमत्कार होते थे। भक्ति में शक्ति है और भक्ति बिना परमात्मा नहीं मिलता है। हमारे राजस्थान की और हरियाणा की भूमि सती सूर और संतों के लिए जानी जाती है। किसके लिए? सती सूर और संत, ये सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा और राजस्थान में हुए हैं। कितने संत हुए, भक्त हुए और कितने वीरांगनाएं हुई और कितनी परमात्मा की भक्तनी भी हुई। और सर्वप्रसिद्ध आप सब जानते हैं मीराबाई का जीवन चरित्र। मेवाड़ की भूमि पर राजा रतन सिंह राठौर की बेटी थी और राव दुदा सिंह की पोती थी। अपने दादा की उंगली पकड़ के मंदिर में पूजा करने जाती थी। देखो अपने बड़ों को बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, जब बड़े हो जाएंगे तो संस्कार छूटते नहीं है। जैसे कच्चा घड़ा होता है उसको किसी भी शेप में डाल लो, बड़ा हो जाएगा तो फूट जाएगा। ऐसे संस्कार पक गए, उसका विवाह भी कर दिया चित्तौड़ में महाराजा भोज के साथ, लेकिन लड़ाई में 4 साल बाद मारे गए। विक्रम राणा उनको कष्ट देने लगे कि आपने सत्संग में नहीं जाना है, लेकिन मेरा परमात्मा के लिए व्याकुल रहती थी, पिछले जन्मों का संस्कार था। तो उनकी माँ को बुलाया गया, अपनी बेटी को समझाओ कि संतों के पास ना जाए। तो मीरा ने कहा, माँ कोई भी व्यक्ति है चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है लड़की है, भगवान को पा सकता, हम सब उसकी संतान है। उसने कहा, बेटी जब घर में कलेश होता है तो जाना छोड़ दे। लेकिन मीरा ने कहा, मेरी हरि बिन रहो न जा, सास लड़े मेरी ननद के जावे, राणा रहो रिसा, महिरी माई हरि बिन रहो न जा, पैरा पीरा को चौकी बिठायो, ताले अब कैसे छुपे छुपा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नहीं दा, महिरी माई हरि बिन रहो न जा। माँ मैं सारी दुनिया के बिना रह सकती हूँ लेकिन परमात्मा बिना नहीं। लेकिन देखो हमारी वृत्ति ऐसी है, हम सारी दुनिया बिना नहीं रहते लेकिन परमात्मा बिना रह लेते हैं। मीरा ने कहा, सास लड़ती है, ननद ताने देती है, राणा रूठे रहते हैं, कभी जहर का प्याला लाते हैं, कभी सांप पिटारी में भेज देते हैं नसवाने के लिए, कभी कांटों की सेज, कभी सात ताले के भीतर मेरे को बंद कर देते हैं, कभी सिपाहियों की चौकी बैठा देते हैं, राजघराने से मीरा बाहर ना जा पाए। लेकिन मीरा कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल है और वही पसंद है, उन बिना नहीं रह सकती। मीरा व्याकुल हो गई, मीरा ने देखा मेरा कोई नहीं है, संतों की एंट्री और नगर में बंद कर दी राणा ने। तो मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ना ठीक समझा, वृंदावन गई, पिछले जन्मों की स्मृति आ गई क्योंकि वो कृष्ण भगवान के समय में थी और सब गोकुलवासी वृंदावन वासी पार हो गए थे, लेकिन एक वो भी छड़ गई थी जिन्हें परमात्मा से मुख फेर लिया था। लेकिन बेचारी इतनी भटकी हर जन्म में, फिर जाके ये मेवाड़ में मेड़ता में पैदा हुई थी। फिर सोचा भगवान भी वृंदावन छोड़ के और द्वारका चले गए थे, उसी समय चित्तौड़ में संकट के बादल छाए और जाकर अकबर ने अटैक कर दिया और बहुत सारी
राणा की सेना मारी गई, पूरा नरसंहार हुआ, चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, उदयपुर बसाना पड़ा। तो सतगुरु जी कहते हैं, जो मीरा राठौर को राखी नहीं उधार, और पकड़ा लोहा ज्ञान का कोटो कटक सिंगार। एक भगतनी नगर छोड़कर गई थी, उनको इतना कष्ट दिया तो कितना संकट आया, करोड़ों मर गए थे। फिर हल्दी घाटी में युद्ध हार गए और फिर अकबर जीत गए थे। फिर किसी ने राणा से कहा, एक भक्तनी नगर छोड़कर चली गई, तब से इतने बड़ा संकट आया, उसको लेकर आओ। 100 ब्राह्मणों को द्वारका भेजा, लेकिन मीरा की अवस्था उस समय वृद्ध हो चुकी थी और भगवान के दीदार में इंतजार करती थी। प्रभु अब बहुत समय हो गया, अब तो दर्शन दे दो। पता चला राणा के सिपाही आगे 100 ब्राह्मण मुझे लेने के लिए। मीरा भाग कर मंदिर में गई, हाथ में एक तारा था और रोती हुई ने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए, प्रभु अब मैं वापिस नहीं जाऊंगी, भले ही दुख मिले मैं दुखों को भी सुख में गिन लूंगी, लेकिन प्रभु अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, एक बार दर्शन दे दो, भले ही मुझे नरक में डाल देना। मीरा ने प्रार्थना की, पैया तेरे दरता में रमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, सुख देवे दुख देवे झोली बीच पालवा, दुख दमदातिया में सुख नाल लालवा, जिड़ा बिलाया ओनो हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। मीरा ने आज घुटने टेक दिए, रो रो कर आंखें गंगा जमुना बन गई मीरा की, और परमात्मा से हाथ ऊपर खड़े कर दिए। आप देखिए इतना प्रेम था मीरा के अंदर, भगवान की मूर्ति का दिल फटके उसमें प्रकट हो गए और मीरा का शरीर नहीं मिला, सदा सदा के लिए उसमें समा गई, मीरा का शरीर नहीं मिला था। पर वो अब मेरा कोई नहीं है, बस अब हद हो गई है, अब तो अपने अंदर समाहित कर लो। तो ऐसी हिंदुस्तान की वो ऐसी भक्तनी थी जो परमात्मा के अंदर समा गई थी। तो मेरा कहने का भाव है, आप सामाजिक जीवन में रहिए या भले आपका पॉलिटिकल जीवन है, लेकिन अध्यात्म से जुड़िए, आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपके अंदर बहुत सुधार आएगा, आपके परिवारों में, समाज में, गांव में, नगर में एक बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। क्योंकि मानव शरीर मिला है, अगर इसमें भक्ति नहीं कही तो भक्ति बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना जल के बादल हैं, गरजते हैं बरसते नहीं हैं। या मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हाथ पैर नाक कान आंख दी हैं, अन्य भी जानवर हैं उनको भी आंख दी हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य की आंख तभी सार्थक है जब संत का दर्शन करे। अगर जीते जी इन आंखों से किसी महापुरुष का दर्शन नहीं किया तो कहते हैं मैंने संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने इन आंखों से संत का दर्शन नहीं किया उसकी आंख मोर के चंदे जैसी होती ना, उसपे नकली सी आंख बनी होती है। इसलिए हमारा सौभाग्य होता है जब हमें जीवन में महापुरुषों की संगत मिलती है, इनका दर्शन मिलता है। क्योंकि गुरु बिना युग बीत जाए कोई जीव इस धरती से पार नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जे विरंच शंकर सम होई। किस भवसागर को कोई भी गुरु बिना पार नहीं कर सकता, भले ही ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े उच्च कोटि के अवतार और महापुरुष और देवता क्यों ना हो। इसलिए इस ब्रह्मांडों की संसार की मर्यादा है कि गुरु बिना मुक्ति नहीं होगी। और हम कहते भी हैं आम भाषा में भी, पानी पीजे छान के गुरु कीजे जान के। पानी पीने छान के पीना चाहिए गुरु जान के, यानी आत्मज्ञानी महापुरुष हो, और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। पिछले जन्मों का संस्कार लगाओ या भगवान की कृपा। मैं तो छोटी सी थी, हमारे खेड़ी दमकन गांव में दूसरी क्लास में,
तब हमारे गांव में नेकीराम जी का आश्रम है, वहाँ बहुत सारे संत महंत महात्मा आते थे। तो मैं भी सोचती थी मेरे गुरु कौन होंगे, तो मैं खड़ी होकर प्रार्थना करती थी। ना तो कबीर साहब वर्तमान में है, ना गरीबदास वर्तमान में है, और ना नेकीराम जी वर्तमान में है, ना शिव जी है, ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है। हे परमात्मा, मेरे को पूर्ण गुरु देना, उनकी मैं सेवा करूं, भक्ति करूं। और ऐसी प्रार्थना सुनी मेरे गुरुदेव जी उस समय बद्रीनाथ पहाड़ों की कंदराओं में गुफाओं में तपस्या करते थे, हमारे गांव को जानते भी नहीं थे, और सीधे वहां से डायरेक्ट हमारे घर पर आए। तो मैं अपने गुरुदेव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे तपोमूर्ति हैं, एक एक बरस 7 बार मेरे गुरुदेव जी ने अदर्शन मौन साधना की है, भगवान का दर्शन करने के लिए। उसमें ना कुछ खाते थे, अन्न नहीं खाते थे, गिलास दूध लेते थे, ना किसी से बात करते थे, ना दर्शन देते थे। ऐसे तपस्वी संत हमारे खेड़ी दमकल गांव की पावन भूमि को पवित्र किया। लेकिन आज इस भगवान की कृपा देखो, हमारा गांव तो बलियाना से ही गया था, आज इस धरती पर भी हमारे गुरुदेव जी के चरण पड़े हैं। ये परमात्मा की कृपा, आप सब हंस आत्माओं का सौभाग्य है कि आज हम अपने इन पुरुषों के गाँव में आए हैं, और यहाँ भी मेरे गुरुदेव जी का इतना स्वागत हुआ, सबको आशीर्वाद मिला, हमारे जितने भी आदरणीय बुजुर्ग हैं आप सबका प्यार मिला, और हमारे इस गांव की समिति है उन्होंने कितना गुरुदेव जी का हमारा सम्मान किया। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे पूर्वजों के बलियाना गांव में आकर हमारा हृदय गदगद हो गया और हमें बहुत अच्छा लगा। धरती सब एक ही है, हम सब एक परिवार ही है। वासुदेव कुटुंबकम की जो धारणा थी वो पूरे विश्व को इस हिंदुस्तान ने ही दी है कि पूरा जो धरती है वो एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। परमात्मा ने धरती बनाई, कोई नक्शे पर लकीर खींचकर नहीं भेजी थी, ये तो दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं। इन्हीं संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अगर हम कार्य करेंगे विश्व शांति के लिए, विश्व जागृति के लिए, समाज कल्याण के लिए, और इसी के साथ भगवान की भक्ति करते हुए महापुरुषों की संगत करें, बड़ों का आदर करें, माता पिता की सेवा करें, अपनी बहन बेटी की इज्जत करें, हिंसा ना करें, आपस में प्रेम से रहें, इससे बड़ा स्वर्ग नहीं है, इस धरती पर ही स्वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमने नैतिकता को भी अपने जीवन में उतारना है, बड़ों का सम्मान करना है, इनकी सेवा करनी है। जितना समय मिले अच्छा ग्रंथों का अध्ययन करो, या भी मंदिरों में आश्रमों में जाकर सत्संग सुनो, किसी अच्छे सदगुरु की शरण ग्रहण करो, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो जन्म जन्मांतरों तक हम काल की नगरी में फंसे रहेंगे। तो मैं अपने गुरुदेव जी का आज खासकर धन्यवाद करूंगी। हे सतगुरु, खेड़ी नहीं, क्या परमात्मा की लीला थी कि वो गांव तो इसी धरती से गया था, जिसको भी पावन करने के लिए मेरे गुरुदेव जी पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सतगुरु हो महाराज हो पे साईं रंग डारा, सतगुरु सतगुरु हो महाराज हो पे प्रेम रंग डारा, सतगुरु हो महाराज हो पे प्रेम रंग डारा, शब्द की चोट है लगे सदमूलक
पावे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव